रही है। उस दूसरी तरफ जेडीयू के नेता लगातार 16 सीटों पर दावेदारी भी ठोक रहे हैं और अब तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बाद अब जहानाबाद से भी जेडीयू के सांसद ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी खुलकर मैदान में उतर आई है। सीतामढ़ी के बाद जेडीयू के सांसद ने जहानाबाद सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। जहानाबाद से जेडीयू सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी खुद चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। आपको टिकट मिलेगा, आप उम्मीद लगाए हैं? पूरा उम्मीद है, आज लड़ेंगे चुनाव, जीतेंगे भी, इसकी भी उम्मीद है। लगातार लेफ्ट पार्टी कह रही है कि वो गठबंधन सीट के तहत हमको चाहिए। कह रही है कौन? हमसे तो नहीं किसी को बात हुआ है, इसलिए हम नहीं जानते हैं। जेडीयू की दावेदारी पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा इंडिया गठबंधन में सिर फुटव्वल तय है। निश्चित रूप से सर फुटव्वल तो होगा ही उन लोगों में, क्योंकि ये जो गठबंधन बना है ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये कोई भारत की जनता की भलाई के लिए गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन सिर्फ मोदी हटाव के उद्देश्य से बना है। वहीं जेडीयू अपने सांसद की दावेदारी का समर्थन कर रही है। देखिए, जनता दल यू का सिटिंग सीट है, वहां हमारे माननीय सांसद पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार उनका दावा सही है। जबकि कांग्रेस और आरजेडी सीट शेयरिंग और शीर्ष नेताओं के फैसले की बात कहकर पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हर दल में हर सीट पे कई कार्यकर्ताओं की दावेदारी बनती है, अंततः नेतृत्व समीक्षा करके तय करता है कि कौन से उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सकती है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई विवाद नहीं है। सारे सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार कौन होंगे ये सब दल के नेता बैठ करके तय कर लेंगे कौन सीट कौन जीत सकता है। जैसी स्थिति बन रही है धीरे धीरे सभी सीटों पर तनाव बढ़ सकता है। शिवम और सनी, जी मीडिया।